रिश्तों में माफी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही। माफी का असली अर्थ है हम रिश्तों को निभाने की काबिलियत उनसे ज्यादा रखते हैं। ये अंदाज भी जिंदगी का आजमाना चाहिए। जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं भाग्य से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बसरते लगाओ दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। कुछ रिश्ते बस ऑनलाइन होते हैं जो नेट बंद होते ही टूट जाते हैं। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। तेरा मेरा रिश्ता जज्बात से जुड़ा है, ये वो संगम है जो बिन मुलाकात से जुड़ा है। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए, अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज लगाइए। मिलना बिछड़ना नसीब की बात है, ये वो बंधन है जो तेरी खुशी और मेरी चाहत के एहसास से जुड़ा है। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते, रिश्ते एक बार बनते हैं फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाए, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है शरारतें करो पर साजिशें नहीं। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते बनाते हैं, और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते तो वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज है जो हमें मुफ्त मिलती है, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछ लीजिएगा कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाइए, मजबूर नहीं। जो रिश्ता हमको रिला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें, दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। बुरे वक्त में जो भी रिश्ता निभाए उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो, ये रिश्ते हैं कोई व्यापार नहीं। एक अच्छा रिश्ता तब होता है जब कोई आपके अतीत को स्वीकार करे, आपके वर्तमान का समर्थन करे और आपके भविष्य को प्रोत्साहित करे। चाहे मित्रता हो या संबंध, सभी बंधन विश्वास पर ही निर्मित होते हैं, इसके बिना आपके पास कुछ भी नहीं। तीन चीजें जो मैं एक रिश्ते में चाहता हूँ, आंखें जो ना रोए, होठ जो झूठ ना बोले और प्यार जो ना मरे। सभी रिश्तों का एक नियम है, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे कभी भी अकेला महसूस ना करने दें, खासकर जब आप वहां हो। मिलना बिछड़ना तो सब किस्मत का खेल है, कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है। यूं तो हर रिश्ता बिक जाता है इस दुनिया में, सिर्फ दोस्ती ही यहाँ नहीं बिकती है। दोस्ती सिर्फ पास होने का नाम नहीं है, अगर तुम दूर रहकर भी हमें याद करो इससे बड़ा हमारे लिए कोई इनाम नहीं। दोस्ती करो हमेशा मुस्कुरा के, किसी को धोखा ना दो अपना बना के। कर लो याद जब तक हम जिंदा हैं, फिर ना कहना चले गए दिल में यादें बसा के। दोस्ती में ताकत है समर्थ को झुकाने की, बाकी सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। सवाल पानी का नहीं प्यास का है, सवाल मौत का नहीं सांस का है। दोस्त तो बहुत है दुनिया में, मगर सवाल दोस्ती का नहीं विश्वास का है। एक चाहत है तेरे साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना तो अकेले ही है।
जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाना कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक ही दोस्त के साथ जिंदगी भर दोस्ती निभाना ये खास बात है। उसके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं, वरना अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात दोस्ती निभाने की थी। भूला नहीं हूँ किसी को कि मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं इस जमाने में, बस थोड़ी सी जिंदगी उलझ पड़ी है दो वक्त की रोटी कमाने में। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक भी ऐसा मौका ना दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। जब दोस्त तरक्की करे तो गर्व से कहना कि वो मेरा दोस्त है, और जब दोस्त परेशानी में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त हूँ। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पे ना जा रहे हो। कौन कहता है कि दोस्ती बराबरी में होती, सच तो ये है दोस्ती में सब बराबर होते हैं। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। एक दोस्त के साथ अंधेरे में चलना अकेले रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। हमारा उठना बैठना उन दोस्तों के साथ है जिन्होंने ना कभी परखा ना कभी धोखा दिया। एक सच्चा दोस्त हमारे जीवन में कई रिश्तों की कमी को पूरा कर देता है। ऐसे में हमारा भी ये दायित्व है कि हम भी अपने दोस्त के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें। दोस्ती की गाड़ी में दो पहिए होते हैं, और एक भी पहिया अगर रास्ते से भटकता है तो इस गाड़ी को टूटने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए आप किसी भी हाल में अपनी दोस्ती के गाड़ी के दोनों पहियों को संभाल कर रखिए। अगर आपकी दोस्ती में कोई भी छोटी मोटी गलतफहमी भी आती है तो भी अपने दोस्त को रूठ कर जाने मत दीजिए। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता। इसी से उसका गुजर बसर चल रहा था। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान जी आपकी जिंदगी कितनी आसान है, आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ तब दो रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मंदिर का सेवक बोला, भगवान जी कैसी बात कर रहे हैं, आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान बोले, तुम नहीं कर पाओगे, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। मंदिर का सेवक जिद करने लगा, मैं जरूर कर पाऊंगा, आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए, आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो, मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। सेवक बोला, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ भगवान जी। ध्यान से सुनो, मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे, तुमसे बहुत कुछ कहेंगे, कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटा कर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह से चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे उसका बटुआ गिर गया, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला, खामोश खड़ा रहा। इसके बाद एक गरीब आदमी वहां आया और भगवान से बोला, भगवान जी बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ, परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है, समझ नहीं पा रहा हूँ इतना सब कुछ कैसे करूँ, आज देखो मेरे पास बस 1 रुपया है, इससे मैं क्या कर पाऊंगा, आप ही कुछ चमत्कार करो, मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, माँ की दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटवा तो उसे मैंने नहीं दिया, वो जो कर रहा है वह चोरी है, लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था इसलिए मन मार कर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था।
वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, इसने जरूरी मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान वाले आदमी को अपने सामने होता यह अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इससे पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूं, मैंने सब कुछ देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका। देखिए आपकी जिंदगी जीकर मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक की ये बात सुनकर एहसास हुआ कि वो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था, उन सब के पीछे की वास्तविकता को वह देख नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इन सब के पीछे भगवान का कोई ना कोई योजना छुपी हुई है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता ना करें, यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। Thank you.